ओम शांति। आगे हमें बाबा ने कहा, हम शक्तिशाली आत्माएं हैं। दूसरा बाबा ने कहा, बच्चों जाओ भूमंडल पर और सबको सकाश दो। तीसरा कहा, इच्छा होगी तो माया आएगी, तो इच्छा एक पाप को अपने साथ रखने की करो। और बात आती है पढ़ाई की, मुझे बाबा कौन सा वरदान देते हैं, कौन सा स्लोगन देते हैं मुझे आत्मा को, मेरा अलौकिक पिता कौन सा प्रश्न करता है। इस पढ़ाई पर भी ध्यान देना है और पूरी दिनचर्या में यह मंथन करना कि मेरे बाप मुझे कौन सी श्रीमत देकर गया है, तो वह भी बाप की बेहद की पढ़ाई हमें पढ़नी है। इससे हमारी बुद्धि प्योर होती है, जिससे हमारे संस्कार भी उच्च और पवित्र बनते जाते हैं। यह बातें बाप दादा रोज हमें पढ़ाई में समझाते हैं। पढ़ाई का हमें रोजाना चिंतन करना चाहिए। ये पढ़ाई 21 जन्मों के लिए है, जो हमें हर जन्म में बाप का साथ सहकार मिलता है, उनकी पालना मिलती है। ये सब बातें पुरुषार्थ में और तपस्वी बनने में है, जो विश्व के गोले पर बैठ सभी को पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाने हैं। मैं अपने योग से सारे विश्व पर जो अशांत के बादल छाए हैं, उसे दूर करने वाली योगी तपस्वी आत्मा हूँ। यह भी सेवा मुझ आत्मा को करनी है। हमारे योग की पावर 5 तत्वों को भी मिल रही है, वो भी पवित्र और शीतल बनते जा रहे हैं, जो नई दुनिया के लिए बच्चे 5 तत्वों को भी पावन बनाने वाले हैं। वो यह अभ्यास रोजाना करेंगे, क्योंकि अंत में 5 तत्व भी एक साथ आतंक मचाएंगे। उस समय हम योगी तपस्वी की स्थिति से, उच्च स्थिति से, वह हमें नहीं हिला पाएंगे। भक्ति मार्ग और शास्त्रों में दिखाते हैं कि कई तपस्वी तपस्या में लीन होते हैं, तब कई परिस्थिति का सामना उन तपस्वियों को करना पड़ता है, फिर भी उनकी तपस्या भंग नहीं होती। इतना पावरफुल तपस्या में मुझ आत्मा ने लीन रहना है।
आत्मा में पावर है, उसे इमर्ज करना है। हमारे सामने प्रकृति आंतक मचाएंगी, फिर भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसे तपस्वी बनकर दिखाना है, वरदानी हाथों से उसे शांत कर हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है कि भगवान आया है। हम आत्माओं का परमपिता इस धरा पर आ चुका है। सारी अज्ञानी आत्माएं हमारे चरणों में होगी, क्योंकि अज्ञानी आत्माएं देवताओं के चरण छूती है। वही देवता हम कल थे और फिर बनने वाले हैं। यह भी अभ्यास हमें करना है। ओम शांति।